सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आपको काफी सारा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऋषि और लक्ष्मी मॉल से निकलते तो किन्नर आशीर्वाद देती है और वो आशीर्वाद ऋषि के दिमाग में घूमता रहता है। और लक्ष्मी ऋषि घर जब पहुंचते हैं तो ऋषि के पापा कहते हैं कि ऋषि तू कहाँ से आ रहा है, तू तो मीटिंग में गया था ना। तभी ऋषि बोलता है मलिष्का ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, उसको शॉपिंग पर जाना था तो वहीं चला गया था। तभी दूसरी तरफ देखेंगे कि लक्ष्मी ऋषि के पापा से कहती है कि मलिष्का ने विराज और दादाजी और मुझे देख लिया था तो उसका मुंह उतर गया था। तभी ऋषि लक्ष्मी को तुरंत टोकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी लक्ष्मी ऋषि से तुरंत बोलती है तुम कुछ मत बोलो और मैं कुछ नहीं बोलती तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या। और ये सब ऋषि के पापा देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मलिष्का की वजह से इन दोनों का रिश्ता टूट सकता है। तो ऋषि के पापा मलिष्का को फ़ोन करके बुलाते हैं घर के बाहर और उससे बात करते हैं कि मुझे बताओ तुम्हारा और ऋषि का क्या प्लान चल रहा है। और मलिष्का कुछ नहीं बोलती और सोचती है कि अगर इन्हें पता चल गया कि मैं और ऋषि शादी करने वाले हैं तो हमारी शादी नहीं होने देंगे। और तभी ऋषि के पापा मलिष्का को काफ़ी कुछ सुनाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है तुम विराज से शादी सिर्फ इसलिए कर रही हो कि ऋषि जले और कुछ गलत कदम उठा सके। तो दोस्तों देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो क्या ऋषि के पापा मलिष्का और ऋषि का प्लान तोड़ पाएंगे, तो अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।